हमारा जीवन एक सफर की तरह है और दुनिया एक सराय। ये तो रही एक दार्शनिक बात, मगर वास्तव में भी यात्रा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर यात्रा अपने में कई यादें समेटे होती है। ऐसी ही एक रोमांचकारी यात्रा का अनुभव मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। अक्टूबर 2021 में दशहरे के साथ एक लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा था तो लद्दाख जाने का प्रोग्राम बना लिया। वैसे तो लद्दाख जाने के लिए 5 दिन बहुत कम माने जाते हैं, मगर चूंकि ये मेरा वहाँ का चौथा ट्रिप था और लाइक माइंडेड दोस्तों का साथ था, इसलिए बोरिया बिस्तर बांधा और अपनी यात्रा शुरू कर दी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से। फ्लाइट के नीचे के नज़ारे ऐसे थे कि कई पैसेंजर्स खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे नीचे देखने से। हमारा प्लेन हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार कर रहा था। अगर उत्तर भारत की पर्वतमाला को समझें तो दिल्ली से नॉर्थ की तरफ जाते हुए सबसे पहले पड़ती है शिवालिक रेंज, मतलब लोअर चंडीगढ़, हिमाचल आदि, और उसके बाद आते हैं लेसर हिमालयाज, मतलब अपर हिमाचल प्रदेश, और फिर आते हैं ग्रेटर हिमालयाज यानी कश्मीर के हिमाद्री पर्वत, और माइटी हिमालयस के उस पार आता है लद्दाख, और इस ट्रांस हिमालय रीजन में लद्दाख के दूसरी तरफ पड़ती है कराकोरम रेंज। पचास साल के हम 3 इडियट्स यानी मैं, मनीष, योगेश और राजकुमार वाजपेयी पूरे जोशो खरोश के साथ लेह के एयरपोर्ट पहुंचे करीब 1.5 घंटे के हवाई सफर के बाद। यहाँ इडियट्स बोलने के पीछे एक बड़ा कारण है जो चौथे दिन पता चलेगा। लेह एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वहां की एक खास शख्सियत के नाम पर। कुशोक बाकुला रिम्पोचे लेह में स्पुतिक मोनेस्ट्री के हेड लामा को कहा जाता है। 19वें कुशोक बाकुला रिम्पोचे न सिर्फ एक लामा थे बल्कि पॉलिटिशियन और समाज सेवक भी थे। लद्दाख के राज परिवार में जन्मे रिम्पोचे यहां से एमपी बने और मंगोलिया में भारत के एम्बेसडर भी रहे। लद्दाख 2 साल पहले अक्टूबर के महीने में ही यूटी बनाया गया था, जिसकी कैपिटल सिटी है लेह। यहाँ की ऊंचाई है 11,500 फीट और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज्यादातर लोगों को माउंटेन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। लद्दाख ट्रिप के लिए हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि कम से कम 1 दिन लेह में बिना एग्जर्शन के गुजारा जाए और अगले दिन से घूमना फिरना शुरू किया जाए, मगर हमारे पास सिर्फ 5 दिन थे और आइटनरी बहुत टाइट थी, इसलिए हमने इरादा किया अल्ची की तरफ जाने का क्योंकि उसका एल्टीट्यूड लेह से करीब 1,000 फुट कम है। अल्ची में एक रात गुजारने से बॉडी कुछ हद तक एक्लिमेटाइज हो जाती है। वाजपेयी लद्दाख में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए हमारे पास कुछ सुविधाएं भी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी कार पर सवार होकर हम निकल पड़े वेस्ट की तरफ। वाजपेयी लेह में ही रुक गया क्योंकि अगली फ्लाइट से उसकी फैमिली भी लेह आ रही थी। अल्ची से लेह की दूरी है 70 किलोमीटर और वहां के रास्ते में कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस पड़ते हैं। दरअसल लेह एक बेस पॉइंट की तरह है जहां से चारों तरफ एक से बढ़कर एक दमदार स्पॉट्स हैं। नॉर्थ में डूबरा वैली और तुरतुक हैं, तो ईस्ट में पेंगोंग लेक, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के हिसाब से देखें तो वेस्ट में एलओसी पड़ता है और ईस्ट में एलएसी। लेह के वेस्ट में कारगिल की तरफ जाते हुए इंडस वैली से गुजरना पड़ता है, जिसके कुछ एरिया को शम वैली कहा जाता है, और उसी का एक हिस्सा है अल्ची विलेज। लद्दाख की सबसे शुरुआती बसावट भी शम वैली से ही हुई थी। आधे घंटे बाद 20-22 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहब के दर्शन करके हम पहुंचे मैग्नेटिक हिल। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ 4 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी बिना पेट्रोल या फिर धक्का मारे ही अपने आप चल पड़ती है, वो भी 20 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से, और हाँ वो भी ऊंचाई की तरफ। अब इसे ग्रेविटेशनल मिस्ट्री माने या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन, जगह तो वाकई इंटरेस्टिंग है। यहां से थोड़ी दूरी पर होते हैं बेहतरीन संगम के दर्शन। इस जगह का नाम है निम्मू। जंस्कार वैली से आती हुई जंस्कार रिवर यहां समा जाती है कैलाश मानसरोवर से आती हुई इंडस रिवर में। दोनों नदियों के पानी का रंग दूर से साफ देखा जा सकता है। दोनों नदियों के संगम के बाद यह नदी फिर से पवित्र सिंधु यानी इंडस रिवर बन जाती है,
और आगे चलकर कराची के पास अरेबियन सी में गिर जाती है। लद्दाख कभी सिल्क रूट और ट्रेड रोड का इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, आज यहां देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 स्थित है। NH1 के खूबसूरत रास्ते पर अलची की तरफ बढ़ते हुए दाई और पहाड़ी की चोटी पर दिखाई पड़ते हैं कुछ जर्जर हालात में पड़े हुए खंडर। यह है बासगो पैलेस के अवशेष, जहां से कभी इस पूरे इलाके की सत्ता चलती थी। अगर लद्दाख के इतिहास की बात करें तो यह कभी तिब्बत एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, जिसके 9th सेंचुरी में कुछ टुकड़े हो गए। उन्हीं में से एक हिस्से पर मारियुल डायनेस्टी की शुरुआत हुई और यह इलाका भी मारियुल कहलाया जाने लगा। भारी आक्रमणों की वजह से यह साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। नॉर्थ लद्दाख को शे से रूल किया जाने लगा और साउथ लद्दाख को बासगो से। 15th सेंचुरी में बासगो के किंग लाचेन भागेन ने दोनों टेरिटरीज को यूनाइट किया और एक नई पावरफुल डायनेस्टी की शुरुआत की। उन्होंने अपना सरनेम रखा नामग्याल, यानी विजेता। बासगो में 3 बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, चामचुंग टेम्पल, सरजंग टेम्पल और चंबा लाखांग। इन मंदिरों को नामग्याल वंश के अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया और बदलाव किए। यहाँ की वॉल पेंटिंग्स में कई बोधिसत्वा, अरहत और महासिद्ध गुरुओं के दर्शन किए जा सकते हैं। मैत्रेय बुद्धा की मनमोहक मूर्ति भी यहाँ की खासियत है। लद्दाख को जानने और समझने वालों के लिए बासगो एक बहुत खास जगह है। इसकी खासियत इससे भी समझी जा सकती है कि यूनेस्को ने यहाँ के कुछ स्ट्रक्चर्स को जगह दी है 100 मोस्ट एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। कई मूवीज की शूटिंग भी हुई इस जगह पर, जैसे दिल से फिल्म का सतरंगी रे और टशन का वाइट वाइट फेस देखे। अब हमारा आज के दिन का आखिरी पड़ाव था अलची विलेज। वहां हमने पहले से ही होटल बुक करवा लिया था क्योंकि वहां ज्यादा होटल और होमस्टे नहीं है। लेह में वाजपेयी एंड फैमिली ने एक नई गाड़ी की डिलीवरी ली और व्हाट्सएप पर फोटो शेयर की। अब शाम हो चुकी थी, थोड़ा आराम करके अलची मोनेस्ट्री में रात के दर्शन किए और खाना खाकर पहले दिन की समाप्ति की। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ गए, सांस की कोई तकलीफ भी महसूस नहीं हुई। सुबह का नाश्ता किया और निकल पड़े अलची मोनेस्ट्री के दर्शन करने। लद्दाख ट्रिप का हमारा दूसरा दिन खास तौर पर बुद्धिज्म और मोनेस्ट्रीज को जानने में गुजरा। बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है, जिसके फॉलोअर्स गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और सम्यक संबुद्ध भी कहा जाता है। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद अपनी शिक्षा को 4 आर्य सत्य के रूप में समराइज किया था। पहला आर्य सत्य है कि संसार दुखमय है। दूसरा सत्य ये कि इन दुखों का कारण है तृष्णा, यानी डिजायर। तीसरा उन्होंने बताया कि इन दुखों का अंत भी संभव है। चौथे आर्य सत्य में उन्होंने दुखों के निवारण के 8 मार्ग बताए, जिन्हें आर्य अष्टांगिका मार्ग कहा जाता है। तथागत बुद्ध के बताए 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ को मध्यम मार्ग माना जाता है। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, थेरावाडा यानी हीनयान, महायान और वज्रयान। तिब्बत लद्दाख में 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव ने वज्रयान का प्रसार किया था, जिन्हें यहाँ गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है। 10th सेंचुरी के आसपास यहाँ मोनेस्ट्रीज बनाई जाने लगी। सबसे शुरुआती मोनेस्ट्रीज बनाने का श्रेय जाता है रिंचिन ज़ेंगपो को, जिन्होंने पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट का संस्कृत से भोती भाषा में अनुवाद किया।
उनके इस योगदान की वजह से उन्हें लोत्सवाना के टाइटल से नवाजा गया। लोत्सवाना मतलब द ग्रेट ट्रांसलेटर। अलची मोनेस्ट्री लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है। अभी वाले स्ट्रक्चर को 12th सेंचुरी के आसपास का बताया जाता है। यह सिर्फ एक मठ ना होकर एक कॉम्प्लेक्स है जिसे चौस्खर कहा जाता है। यहां प्रमुख रूप से तीन स्थल हैं, दुखांग, सोमस्टेक और मंजूश्री का मंदिर। पॉपुलर की लकड़ी से बना दुखांग का द्वार एक बार को आपकी नजरें वहीं जमा देता है। सोमस्टेक का मतलब होता है तीन मंजिला इमारत। मंजूश्री एक बोधिसत्व है जिन्हें बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। जो प्राणी बुद्ध बनने के मार्ग पर चलकर बुद्धत्व के नजदीक पहुंच जाता है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। लद्दाख में गौतम बुद्ध से ज्यादा आपको बोधिसत्वास की मूर्तियां मिलेंगी और सबसे प्रमुख बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर जिन्हें करुणा का प्रतीक माना जाता है। आम लोग उन्हें प्रेजेंट बुद्धा भी कहते हैं। बुद्धिस्ट आर्ट का अद्भुत खजाना संजो के रखा है इस मोनेस्ट्री ने। दीवारों की चित्रकारियां, मूर्तियां, मक्खन की मनमोहक सुगंध और पास में बहती सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी पर 2 किलोमीटर की दूरी पर बना है एक खूबसूरत बांध। निम्मू बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वर्ल्ड के हाईएस्ट हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट में से एक है। अब हमने अपनी गाड़ी का रुख किया कारगिल श्रीनगर की तरफ और चल पड़े लामा येरू के लिए। लेह से 115 किलोमीटर की दूरी पर बसी लामा येरू मोनेस्ट्री अपने मूनस्केप के लिए जानी जाती है। 1000 साल पुरानी इस मोनेस्ट्री को महासिद्धाचार्य नरोपा का जन्म स्थान माना जाता है जिन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए। तिब्बतन बुद्धिज्म में 4 प्रमुख विचारधाराएं हैं जिनमें से काग्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से जुड़ा है ये लामा येरू मठ। वेस्ट साइड का ये हमारा आखिरी पड़ाव था। यहाँ से हमने गाड़ी वापस लेह की तरफ मोड़ी और 70 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचे लकीर गोम्पा। मोनेस्ट्रीज को यहाँ गोम्पा कहा जाता है और लकीर का मतलब होता है सांपों से घिरा हुआ। मान्यताओं के अनुसार इसे 2 नागराजाओं का संरक्षण प्राप्त है। लकीर मोनेस्ट्री गेलुगबा सेक्ट से संबंध रखती है और सबसे धनी मोनेस्ट्रीज में से एक है। यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं दीवारों की चित्रकारियां, बुद्धिस्ट ग्रंथों का कलेक्शन, टेक्सटाइल पेंटिंग यानी थांगपा और मैत्रेय बुद्ध की विशाल मूर्ति। मैत्रेय बुद्ध को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि वो 2500 साल बाद फिर जन्म लेंगे। लद्दाख की बौद्ध संस्कृति अपने आप में अनूठी है। यहाँ की मोनेस्ट्रीज का शांत माहौल और वास्तुकला आपका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। बौद्ध संस्कृति का आत्मसार कर अब हमने वापस रुख किया लेह की तरफ और 50 किलोमीटर के ड्राइव के बाद हम पहुंचे हॉल ऑफ फेम म्यूजियम। इंडियन आर्मी के इस म्यूजियम में जाकर मानो दिन भर की थकान दूर हो गई और एक नया जोश मन में भर गया।
भारतीय सेना की अद्भुत जानकारियों और साहसिक दास्तानों का बेहतरीन संग्रहालय है ये। सियाचिन और कारगिल गैलरी है जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। इस कोने से लेकर वो लास्ट कोने तक 99 के वार में जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको ऐसे बोर्डों से दी जा रही है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में एक जवान कैसे सर्वाइवर करता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप मुझसे बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं। सामने शोकेस में रखे हुए कुछ वेपन्स है, वो वेपन्स है पाकिस्तान के जो कि इंडियन आर्मी ने 99 की लड़ाई में कैप्चर किए थे, वो भी आप देख सकते हैं। ये एक सैंड मॉडल है, सैंड मॉडल इंडियन आर्मी तब तैयार करती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या फिर ऑपरेशन करने के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जैसे कि मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जो रेड लाइन देख रहे हैं ये रोड, कुछ कच्ची रोड और कुछ पक्की रोड जिसमें हाईवे भी शामिल है। जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये रिवर, कुछ छोटे रिवर और कुछ बड़े रिवर। दो रिवर आ रहा है चाइना से, बड़े इंडस और सिगोर रिवर जो चाइना से होते हुए इंडिया की तरफ आ रहे हैं, और एक आ रहा है पाकिस्तान से लास्ट में सिगोर रिवर जो पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है। जो रेड फ्लैग में कुछ एक नाम देख रहे हैं आप, गुलतारी, गोन, मतियाल, बिजोट, मरोल, ये है पाकिस्तान के कुछ एक गाँव जो की वहां पे अभी भी मौजूद है। जो एरो में से इंडिकेट कर रहे हैं वो है LOC, LOC का मतलब पता है 99 के वार से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ था कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय ऊपर पोस्टों पे कोई भी सेना नहीं चढ़ेगी, ना कि इंडियन आर्मी ना पाकिस्तान के, उनको रेंजर्स बोला जाता है। इंडिया इस बात को एग्री करते हुए नीचे बेस में डाउन हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छिपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट कैप्चर कर लिए, जिस टाइम की हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके। आप देख सकते दरास में 5140, टाइगर हिल 4875, कारगिल में ककसार, मजदास और 5608, और बटाली के कुछ एक सेक्टर जुपर हिल्स, मुंटो डालो, खालूपर, यलदूर। अभी पाकिस्तान ने जितना कैप्चर करना था कर चुका था, अभी इंडिया की बारी थी उसको रीकैप्चर करने के लिए। तो रीकैप्चर करने की तैयारी शुरू में के लिए बटाली से 3 मई से, और पहला ऑपरेशन किया गया मुंटो डालो के पास 15 मई को। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए रखा गया उसका नाम, ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने दोनों ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया, और जितने भी पोस्ट कैप्चर किए थे पाकिस्तान ने बटाली के उसको रिकैप्चर कर लिया गया। उसके बाद दरास, दरास में टोलोलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक नेशनल हाईवे जा रहा है गोजिला, दरास, कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन। अगर पाकिस्तान टोलोलिंग में कैप्चर कर लेता तो आप लोग यहाँ पे, हम लोग हैं यहाँ पे, वहां पे होता पाकिस्तान, अगर वो कैप्चर कर लेता तो। ऐसा ना हो इसीलिए इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपी विजय। 4875, टाइगर हिल, 5140, टोलोलिंग इसमें शामिल थे, इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी इसी में ही शामिल थे। लास्ट में आता है कारगिल, कारगिल में 5608, ककसार और मजदास में भी लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ड्यूरेशन बटालिक से 3 मई से शुरू हुआ था ऑपरेशन का और 26 जुलाई में जाके कारगिल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी पोस्ट, जगह, जमीन कैप्चर किए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 3 महीने के दौरान सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहां से एक टुकड़ा भी नहीं लिया सका, इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मूवी 6:30 स्टार्ट होगा। थैंक यू एंड जय हिंद। और साथ में बना हुआ वॉर मेमोरियल उन शहीद जवानों को समर्पित है जिन्होंने भारत पाक युद्धों में वीरगति पाई। अभी साउंड एंड लाइट शो में टाइम था तो होटल में चेक इन करने चले गए। वहां थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बाजार में चहलकदमी करी और चाय पीकर वापस पहुंच गए हॉल ऑफ फेम म्यूजियम। फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिखती गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर 1999 की कारगिल वॉर और ऑपरेशन विजय पर बनी डॉक्यूमेंट्री और शो देखने के बाद अब समय था रात्रि विश्राम का। अगले दिन सुबह हमें नुब्रा वैली जाना था।
तीसरे दिन सुबह 9 बजे हम अपने तय किए हुए मीटिंग पॉइंट पर वाजपेयी एंड फैमिली से मिले। दोनों गाड़ियों में डीजल फुल भरवा लिया था क्योंकि रास्ते में दूर दूर तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं दिखता। साउथ पुल्लू में एंट्री करवाने के बाद अब हम लोग दो अलग अलग गाड़ियों में आगे पीछे चल पड़े उत्तरी दिशा में। 40 किलोमीटर की ड्राइव के बाद करीब 1.5 घंटे में हम पहुंचे खारदुंगला पास। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस दर्रे को वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास माना जाता है। वैसे हाल ही में लद्दाख में केला पास नाम का नया मोटरेबल पास बना है जिसकी ऊंचाई खारदुंगला से 300-400 फीट ज्यादा है। सूखे पहाड़ों के बीच 80 किलोमीटर के सुंदर रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचे सुमूर। नूबरा नदी के किनारे बना यह गांव नूबरा वैली का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ के सैंड ड्यून्स देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है कि आखिर ये है क्या, ये पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान है या कोई समुद्री इलाका। भूवैज्ञानिकों की माने तो लाखों साल पहले धरती पर सिर्फ एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस। जमीन के भी दो ही भाग हुआ करते थे जो कि बाद के समय में बढ़ते गए। ऐसे ही दो टुकड़ों के मिलने से धरती में कई बदलाव आए और समुद्र के नीचे की जमीन ऊपर की तरफ आ गई। लद्दाख में इन रेत के टीलों को देखकर धरती के रहस्यों को वाकई महसूस किया जा सकता है। अब नूबरा रिवर के दूसरी तरफ पहुंचकर बिस्किट से थोड़ा पहले डीजल टॉपअप करवाया और फिर पहुंचे हुंदर जो कि नूबरा वैली का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। यहां ऊंटों की एक अनोखी प्रजाति दिखती है जिन्हें बैक्ट्रियन कैमल कहा जाता है। दो कुंवड़ वाले ये डबल हम कैमल्स भारत में सिर्फ लद्दाख में ही दिख सकते हैं। इन ऊंटों का इस्तेमाल कभी सेंट्रल एशिया या चाइना से आने वाले सिल्क रूट पर हुआ करता था। समय के साथ ट्रेड रूट बंद हुआ और भारत की तरफ बची खुची यह प्रजाति अब सैलानियों का मन लुभाती है। वाजपेयी फैमिली को सैंड ड्यून्स पर ड्रॉप करके हम चले गए हुंदर में कोई रिजॉर्ट तलाशने। हमारा इरादा था बढ़िया से रिजॉर्ट में शाम बिताएंगे और रात को बॉनफायर पार्टी करेंगे, मगर अफसोस पूरे हुंदर में एक भी रूम अवेलेबल नहीं था। दरअसल अक्टूबर आते आते हुंदर में टेंट और कैंप अकोमोडेशन बंद हो जाते हैं, ऊपर से ये लॉन्ग वीकेंड। अब घबराहट होनी स्वाभाविक थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। दोनों गाड़ियों ने मिलने का एक पॉइंट फिक्स किया और चल पड़े बिस्किट की तरफ, मगर वहां के हालात भी यही थे। हमारी तरह के कई यात्री रूम्स के लिए भटकते फिर रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक छोटे से गेस्ट हाउस में सिर्फ एक रूम का बंदोबस्त हो गया। अब जान में जान आई क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता फैमिली की थी। हम तो गाड़ी में भी रात गुजारने को तैयार थे, कंबल और गर्म कपड़े साथ लेकर चले ही थे, मगर किस्मत शायद अच्छी थी, गेस्ट हाउस वालों ने डिनर के बाद डाइनिंग हॉल में हमारे लिए गद्दे लगवा दिए। आराम से पैर पसार कर राजाओं की तरह सोए वहां पर। चौथे दिन हम सुबह 7 बजे गेस्ट हाउस से बिना नाश्ता किए निकल पड़े लद्दाख की सबसे फेमस जगह की तरफ। रास्ता लंबा और सुनसान था इसलिए टाइम का मार्जिन रखना भी जरूरी था। आज ही ले पहुंचना था क्योंकि अगले दिन की वापसी की फ्लाइट थी। करीब 10 बजे अगम पहुंचकर नाश्ता किया, फिर पूर्वी दिशा में चल पड़े पेंगोंग त्सो के लिए। तिब्बती भाषा में त्सो का मतलब होता है लेक और ला का मतलब होता है पास। लद्दाख के रास्ते जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं उतना ही अपनी टूटी फूटी सड़कों के लिए भी। लैंडस्लाइड और बर्फबारी की वजह से यहां के रास्ते ध्वस्त होते ही रहते हैं, इसलिए पत्थरों से बचकर चलने की सलाह दी जाती है। मैं, योगेश और वाजपेयी हंसते हंसाते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमारी कार का एक टायर किसी नुकीले पत्थर के ऊपर से गुजरा और वहीं पंचर हो गया। ट्रंक में पड़े टायर को देखा तो वो भी पंक्चर मिला। पीछे आती हुई हमारी दूसरी गाड़ी रुकी, मगर वो भी क्या कर सकते थे। हमने उनको कहा कि तुम जाकर लेक देखो और फिर लेह की तरफ चलो, अगर मौका पड़ो तो रास्ते में मिल जाएंगे, वरना तुम लोग लेह पहुंचकर आराम करो। अब हम 3 इडियट्स एक टूटी फूटी सड़क पर पंक्चर गाड़ी के साथ खड़े थे। अब इसे लापरवाही कहो या ओवर एक्साइटमेंट, बिना टायर चेक किए निकलना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। बहुत से लोग मदद के लिए रुके मगर किसी के पास कोई समाधान न मिलता। हमने सोचा कि लेह में किसी को फोन करके नया टायर मंगवा लें, मगर इसमें पहली समस्या तो यह थी कि दूर दूर तक फोन के सिग्नल्स नहीं थे और दूसरी यह कि इस पूरे प्रोसेस में 10-12 घंटे लग जाने थे। शाम तक कड़ाके की ठंड भी शुरू हो जानी थी। कुछ लोकल टैक्सी ड्राइवर्स ने सलाह दी कि यह लैंडस्लाइड वाला इलाका है, ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए यहां ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। हमने रिम पर ही गाड़ी आगे बढ़ा ली और एक सेफ जगह पर जाकर रोक ली। वाजपेयी ने एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी और पंक्चर टायर लेकर आगे चला गया। अब बस यही उम्मीद थी कि आगे कहीं कुछ काम बने फिर वाजपेयी वापस आ जाए। यहां एक और मजेदार बात थी कि इस रास्ते पर वापसी की गाड़ियां नहीं आती थी,
सिर्फ नुब्रा से पेंगोंग की तरफ जाने वाली ही गाड़ियां थी। मतलब ये कि उसका वापस आना भी एक चैलेंज था। अब मैं और योगेश इंतजार कर रहे थे किसी ब्रेजा के आने का। ब्रेजा गाड़ी आमतौर पर ही कम दिखती है, लद्दाख में क्या दिखती, वो भी एक तरफा अजनबी रोड पर। मगर वारी किस्मत, थोड़ी देर में एक ब्रेजा हमारे पास आकर रुकी। बेंगलोर से गाड़ी चलाकर आए विशाल तुरंत ही मदद को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी कार का स्टेपनी टायर हमें दिया और लगवाने में भी मदद की। अब हम दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलने लगी पेंगोंग की तरफ। एक घंटे की ड्राइव के बाद दुर्बुक चौक पर हमें वाजपेयी एक मददगार के साथ दिखाई दिया। ट्यूबलेस टायर में नई ट्यूब डलवाकर और टायर के अंदर पैच लगवाकर वाजपेयी वापसी की तरफ था कि हमने वहीं पकड़ लिया। हम सबकी खुशी की तो मानो कोई सीमा ही नहीं थी। मददगारों का शुक्रिया करके हम पेंगोंग लेक जा ही रहे थे कि वापसी आती हुई हमारी स्कॉर्पियो दिखी। सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान ने मानो बीती हुई सारी तकलीफों को भुला दिया। फैमिली को दुर्बुक में चाय नाश्ता करने के लिए बोलकर हम पहुंचे पेंगोंग लेक। वाह, खूबसूरती की पराकाष्ठा प्रतीत हो रही थी ये लेक। 14,300 फीट की ऊंचाई पर बसी ये लेक 135 किलोमीटर लंबी है। इसका 2/3 हिस्सा तिब्बत में है और 1/3 हिस्सा भारत में। अब पेंगोंग लेक जाएं और 3 इडियट्स वाले पोज में फोटो ना खिंचवाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। ठंड बढ़नी शुरू हो रही थी तो हमने वापसी रुक किया लेह की तरफ। दुर्बुक पर दोनों गाड़ियां एक बार फिर मिली और चल पड़े चांगला पास की तरफ। चांगला पर चाय पीकर वापस लेह पहुंचे रात 8 बजे। यह है लेह के चौक पर स्थापित महाराजा सेंगे नामग्याल की मूर्ति, जिन्हें लॉयन किंग भी कहा जाता है। अब होटल पहुंचकर खाना खाया, सामान पैक किया और थके टूटे सो गए। तो इस तरह गुजरा उतार चढ़ाव वाला हमारा ये 4th दिन। 5वें दिन सुबह उठकर मैं और योगेश चले गए लेह पैलेस देखने, क्योंकि हमारी फ्लाइट दोपहर की थी। दूसरी तरफ से यह खबर मिली कि फैमिली की सुबह वाली फ्लाइट मौसम खराब होने की वजह से देर से उड़ी। लेह पैलेस वैसे तो शहर में हर जगह से दिखता है, मगर इस 9 मंजिला शाही महल को अंदर से देखने का एक अलग ही अनुभव है। इसका शुरुआती निर्माण 16वीं सदी के मध्य में हुआ, जिसे 17वीं सदी में पूरा किया महाराजा सेंगे नामग्याल ने। 19वीं सदी के मध्य में डोगरा सेना ने लद्दाख पर अधिकार प्राप्त किया और नामग्याल शाही परिवार को स्टोक पैलेस में स्थानांतरित करने पर मजबूर कर दिया। इस महल में राजसी ठाट बाट की बजाय सादगी ज्यादा दिखती है। यहां की असामान्य वास्तुकला में लकड़ी का मुख्य द्वार, सुंदर खिड़कियां और बालकनियां सच में 4 चांद लगाते हैं। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है नामग्याल सेमो मठ, जिसकी स्थापना 1430 में लद्दाख के राजा ताशी नामग्याल ने की थी। यहां से अगलिंग स्थित वाजपेयी के साइट ऑफिस पहुंचे और नाश्ता किया। नाश्ता करके हम एयरपोर्ट पहुंचे और बोर्डिंग पास बनवाकर फ्लाइट में बैठ गए। मगर मौसम इतना खराब था कि जहाज उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। विजिबिलिटी बहुत कम थी। 2 घंटे अंदर ही बैठे रहे, फिर घोषणा हुई कि फ्लाइट अब कल उड़ेगी। फ्लाइट आपकी जाएगी कल दिल्ली के लिए, ठीक है, और दिल्ली से आगे जो जा रहे हैं, ठीक है, उनका कनेक्शन भी हम देखेंगे, ठीक है, कल 7:30 बजे रिपोर्ट करेंगे। वाजपेयी हमें लेने एयरपोर्ट आया। उसके बाद शाम को लेह सिटी में ड्राइव का आनंद लिया। आखिरी दिन सुबह जल्दी की फ्लाइट थी, इसलिए गाड़ी में ही चाय नाश्ता करते करते हम एयरपोर्ट पहुंचे। फ्लाइट ने टाइम पर उड़ान भरी और सही समय से पहले दिल्ली पहुंचा दिया। तो ये थी हमारी अविस्मरणीय लद्दाख यात्रा।
जब तक जीवन है आगे भी ऐसी ही यात्राओं का अनुभव लेते रहेंगे, अगर समय और शरीर का साथ रहा। धन्यवाद।